नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपक कुमार जम्वाल है। तने मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। जी हाँ, कि तुम सारे जानते हैं कोविड-19 कोरोना वायरस आजकल देश ताई सबसे बड़ी समस्या बनी है। अहाँ जो इस तरह लड़ने ताई एकजुट होने काम करना पड़ना, एकजुट होना पड़ना। जी हाँ जी, अहाँ जो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी रोज अहाँ जो हाथा जोड़ी ने बोला दे कि सारे जो मिली कने नियम का पालन करना पौना। अगर जी अहाँ नियम का पालन नहीं करे दे तो अहाँ की एडी हालत होनी हो जानी, जेडी जे प्लेग पैने से पूरी दुनिया की हुई थी। पूरी दुनिया से 200 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी। अगर नियम नहीं मन गए तो अहाँ की भी एडी हालत हो सकती। कने अगर जियां जे अहाँ का भारत देश हूं तक था अथक प्रयास करा था इस वायरस तक लड़ने ताई, अहाँ जो सबनी जो मिली कने लड़ना पौना ता ही अहाँ जीती सकते, कने इस वायरस जो अहाँ हराना है। अहाँ दा देश विभिन्नता से भरिया देश है, कने इस च अगर अहाँ नियम नहीं मानते हैं तो अहाँ की अड़ी हालत हो सकती जी अहाँ सोची भी नहीं सकते। अगर मैं पिछली महामारी की गल करूँ तो पिछली महामारी एक गल सामने आती कि जेडी जे एक डेड बॉडी जलाने टाइम लगता था, इस टाइम इतने सारे लोगों की मौत हो जाती थी जी अहाँ सोची भी नहीं सकते थे। इतने सारे लोग मरे मिलते थे अहाँ दे भारत देश से। जनता के बारे से पहले सोचा जाता, कने बाद सत्ता के बारे सोचा जाता। तो अहाँ जो देश का साथ देना पौना, जियाँ जी देश जनता के बारे सोचता, बट कई होंगे कि जनता नहीं सोचती, तो जनता जो भी सोचना पौना ता ही अहाँ इस वायरस से लड़ी सकते। अगर अहाँ नियम का पालन नहीं कर देन तो अहाँ रोज़ दिखते न्यूज़ चैनलों कि इतने लोगों की मौत हुई, इतने लोग मरी है कोरोना वायरस से, इतने लोगों की हुई मौत, तो शायद अहाँ का करे थोड़ा का सारे का नाम भी हो सकता तीसरा लिस्ट। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट ही थोड़ा सारे ते कि जितना हो सके नियमों का पालन कर, जितना हो सके लॉकडाउन का पालन करा, कने सेफ रहा, घरे च रहा, घरे के बाहर मत जा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।